प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति और रेड लाइट एरिया के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जहां औरतों के शरीर की बोली लगती है। यहां बोली लगाने वाले होते हैं मर्द। लेकिन अब कुछ जो सामने आया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। औरतों की नहीं, अब मर्दों की भी बोलियां लग रही हैं। रात होते ही मर्दों का बाजार सज जाता है, खरीदार होती हैं हाई प्रोफाइल महिलाएं। भारत में अब यह ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कुछ इलाकों में रात होते ही मर्दों का बाजार सज जाता है। यहाँ एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं मर्दों को खरीदती हैं। दरअसल मर्दों के जिस्म के इस बाजार को जिगोलो मार्केट कहा जाता है। एक वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मर्दों का जिस्म का एक कारोबार तेजी से पनप रहा है। यह कारोबार रात में 10 बजे शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। दिल्ली के सरोजनी नगर, लाजपत नगर, पालिका नगर मार्केट और कमला नगर मार्केट समेत कई इलाकों में रात होते ही मर्दों की जिस्म फरोशी के धंधे की मार्केट सज जाती है। दिल्ली के इस मार्केट में एलिट क्लास से संबंध रखने वाली महिलाएं आकर मर्दों की बोली लगाती हैं। जिस्म फरोशी का यह धंधा पॉश इलाकों की सड़कों और गलियों तक ही सीमित नहीं है, इनके लिए पब, डिस्को और कॉफी हाउस भी ऑप्शन है। जिगोलो को बुक कराने का काम हाई फाई क्लब, पब और कॉफी हाउस में भी होता है। कुछ घंटों के लिए जिगोलो की बुकिंग की कीमत 1800 से 3000 रुपए और फुल नाइट के लिए 8000 रुपए तक में डील होती है। यही नहीं, अच्छी बॉडी वाले और सिक्स पैक्स एब्स वाले मर्दों की कीमत 15000 रुपए तक भी हो सकती है। यहां डीलिंग का काम पूरी तरह से सिस्टमैटिक होता है। कमाई का 20% हिस्सा बिकने वाले मर्द को अपनी संस्था को देना होता है, जिससे कि वो जुड़ा हुआ है। यही भी वेश्यावृत्ति वाली कहानी है। कुछ पुरुषों ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है तो कुछ मजबूरी में इस दलदल में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहते हैं। मर्दों की यह मंडी दिल्ली के पॉश इलाकों, साउथ एक्सटेंशन, JNU, INA, अंसल प्लाजा, क्रॉट प्लेस, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे प्रमुख बाजारों की मुख्य सड़कों पर लगता है। लड़के यहां आकर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियां रुकती हैं, जिगोलो बैठता है और सौदा होती गाड़ी चल पड़ती है। पहचान के लिए जिगोलो रुमाल और गले में पट्टे बांधते हैं, इससे ही उनकी पहचान होती है। जिगोलो की डिमांड उसके गले में बने पट्टे पर निर्भर करती है। आपको बता दें, गले में बंधा यह पट्टा जिगोलो के लिंग के साइज को दर्शाता है। शहर के पॉश इलाकों और पब और क्लबों के अलावा कई जाने माने होटलों में भी यह धंधा खूब फल फूल रहा है। यहाँ इनकी पहचान गले में पहने पट्टे या रुमाल से नहीं बल्कि ड्रेस से होती है। इनके लिए खास ड्रेस कोड होती है, काली पैंट और सफेद शर्ट। खबर के मुताबिक जिगोलो इन होटलों में रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते हुए अपने ग्राहक को तलाशते हैं। 2012 में आई BA पास मूवी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जिसमें एक शादीशुदा महिला एक कॉलेज स्टूडेंट को शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे देती है। मूवी को बीते 5 साल हो गए, परंतु यह धंधा अब भी जोरों से भारत में अपनी पकड़ बना रहा है और खासकर दिल्ली में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को बताएं कि इंडिया में भी कुछ ऐसा होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय एंड टेक केयर।